कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। मेरे समझ से शम्मी अंकल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो ना सिर्फ इंडस्ट्री को लेकिन पूरे देश में जो हमारी जनता है उसको बहुत, उनके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका। और वो ये है कि उन्होंने लोगों का दिल खुश किया। अब तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। हीरो का एक रूप चेंज किया तो सबसे पहले शम्मी कपूर जी थे, जिन्होंने एक सैड हीरो को एक हंसते गाते हुए हीरो की तरह बताया, जो कि हीरो डांस करने लगा। पहले हीरो हमेशा गाता था, चाहे वो राजेंद्र कुमार थे या दिलीप कुमार थे या दूसरे हीरो थे, लेकिन शमी जी ने एक डांस करता हुआ हीरो ऑडियंस को दिया। आज जितने भी आप डांस देख रहे हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं और आज के डेट में खत्म होते हैं। नहीं बचने का कोई भी ताला, ताला गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल के गुलबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल के गुलबाला। उनके सारे बदन में म्यूजिक समाया हुआ था, तो जब भी कोई गाना होता था ना उनको डांस डायरेक्टर की जरूरत होती थी, वो खुद ही कर लेते थे। आशिक हूँ एक महजबी का, लोग कहें मुझे पगला कहीं का, आशिक हूँ एक। फिल्मों के जरिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो जो एक, जो उन्होंने एक इमेज लाई है पर्दे पर, वो उनका खास कंट्रीब्यूशन है। जो दुनिया में हम अगर देखें तो वेस्ट में जब हम देखते हैं तो एल्विस प्रेस्ली जो स्टार थे, वो जो करिश्मा था एल्विस प्रेस्ली का दुनिया के लिए, वो हमारे लिए शम्मी अंकल लाए। दम भर के हम दम मिल जाते हैं अक्सर, और झूठी कसमें भी खाते हैं, पर कहा जो कहे तुमसे, तुमसे है दिल को प्यार, तुमसे है दिल को प्यार, देखो अब तो नहीं है खबर। मेरे ख्याल से रेवल उन्हें शायद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो, उनका अंदाज बिल्कुल अलग ही था। वो हर चीज अपने अलग अंदाज में करते थे, जो रूल है उसको फॉलो नहीं करते थे, तो वो इतना अलग हटके होता था। और उनके अंदर जो एक जोश या पैशन हमें नजर आता था, उससे उनके अंदर वो रिबेलियस स्ट्रीक नजर आता था उनके परफॉर्मेंस में। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने, कहो प्यार है तुमसे वो जाना, कहो प्यार है तुमसे। आई थिंक शमी कपूर ये पूरी दुनिया को एहसास दिलाता है कि जो भी वो स्क्रीन पर रोमांस करते थे उसके अलावा और कोई नहीं था उसकी जिंदगी में। लाल छड़ी मैदान खड़ी, क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी, हम दिल से गए, हम जान से गए, बस आंख मिली और बात बढ़ी, लाल छड़ी मैदान खड़ी। ये मेरे वाले जो श्री ऋषि कपूर है वो भी कहते हैं कि अगर रोमांस किसी से सीखना हो तो शमी कपूर से सीखो। आसान है जाना महफिल से, वो कैसे जाओगे निकल कर दिल से, मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर, और मेरे यार शब्बा खैर, मेरे यार शब्बा खैर। शमी कपूर ने अब महफिल छोड़ दी है, लेकिन दिल से जाना उनके बस में भी नहीं है, क्योंकि शम्मी कपूर सिर्फ एक अदाकार का नाम नहीं, एक बगावत का नाम है। हर पीढ़ी जब जवान होगी शम्मी कपूर जवान होगा, जवानी जब बगावत करेगी शम्मी कपूर जवान होगा, मोहब्बत जब भी नजाकत छोड़कर शरारत पर उतर आएगी शम्मी कपूर जवान होगा। शम्मी कपूर ने इस मुल्क को जवान होना सिखाया, अपने वजूद और अपनी पहचान के लिए लड़ना सिखाया। आज जंगल खामोश है, लेकिन जंगल की खामोशी का ये मतलब नहीं होता कि जंगल खाली है।
हालांकि शेर थक गया है, लेकिन उसकी गरज हमेशा हमेशा के लिए वक्त के सीने में याहू बनकर जिंदा रहेगी। जी मैं बोल रहा हूँ, कहिए। हाँ हाँ भाई भाई, वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ करेंगे करेंगे। तो ऐसा कीजिए, मैं लोनावला किसी काम पे जा रहा हूँ, आप साथ हो लो, बस रास्ते में इंटरव्यू हो जाएगा ना जी। हाँ मैं आपको आर के स्टूडियो से उठा लूँगा। ओके ठीक है। कागज पेंसिल तैयार है ना आपका? है, शुरू हो जाते हैं। कहाँ से शुरू करें हम? ठीक है, आई वॉज बोर्न इन बॉम्बे इन 1931, अजंकिया हॉस्पिटल नर्सिंग होम शहर। राजीव, मेरे बीच में दो भाई थे, उनकी अचानक एक ही हफ्ते में डेथ हो गई, एंड माई मदर वॉज कैरिंग मी एट दैट टाइम। It was a very wonderful and pleasant coming, क्योंकि दो भाइयों के डेथ के बाद जो मेरी पैदाइश हुई, I was like a prince। और वहाँ से फिर हम कलकत्ते चले गए, और कलकत्ते हम 7-8 साल रहे। मेरी मॉन्टेसरी स्कूलिंग जो हुई वो कलकत्ते में हुई। उसके बाद 1939 में हम वापस बम्बई आए। My father left New Theatres and he came and joined Ranjit Studio. और मेरी फिर आगे की स्टडीज़ यहाँ पर हुई हैं। 1944 में my father started Prithvi Theatres with Shakuntala. और उस प्ले में मैं भरत का रोल करता था। सुबह शोज हुआ करती थी ओपरा हाउस में। And I did my matric from New Era School. और मैट्रिक पास कर लेंगे, बड़ी खुशी हुई साहब। राज जी ने पास किए नहीं थी तो हमने पास कर ली, तो बड़ी एक तोप थी, हमने तोप मार ली। आफ्टर टू ईयर्स आई गॉट बोर्ड ऑफ कॉलेज, सो आई लेफ्ट कॉलेज एंड केम होम। बाबा जी सॉरी सर, माफ कर दो ना, चल कल से थिएटर आ जा सुबह। सो आई जॉइन द थिएटर एट अ सैलरी ऑफ 50 रुपीज। उनकी शुरुआत स्टेज से हुई, जो उनके वालिद थे श्री पृथ्वीराज कपूर, वो स्टेज के पायनियर्स थे। तो आई थिंक जो उनकी ट्रेनिंग हुई, जो ग्राउंडिंग हुई, जो अंडरस्टैंडिंग हुई एक्टिंग के बारे में, वो स्टेज से शुरू हुई। शम्मी अंकल भी कोई स्कूल में नहीं गए एक्टिंग के स्कूल में, लेकिन उनका स्कूल था, उनका जो थिएटर का बैकग्राउंड था, और उनके फैमिली में जो एक ट्रेडिशन था एक्टिंग का, थिएटर का, वो उनका ट्रेनिंग ग्राउंड शायद था।